हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नहीं रहे हम सबके बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल की तरफ से वाजपेयी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश के जननायक व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई शोक सभा। कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के परचिनों पर चलने के लिए लिया शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नाजुक होने की सूचना पर दो दिनों के लिए गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर गोरखपुर से पहुंचे एम्स। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए दी श्रद्धांजलि। कहा, इस अपूर्णीय क्षति को भारत के लिए पूरा करना होगा कठिन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक। शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी कार्यालय और स्कूल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर नेताओं में शोक की लहर। दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कृषि व मनरेगा कन्वर्जन के अंतर्गत आयोजित हुई कार्यशाला। किसानों के आय को दोगुना किए जाने पर हुई चर्चा। गोरखपुर से भी जुड़ी हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादें। 1940 में पहली बार अपने भाई की शादी में बनकर आए थे सहबाला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के पूर्व श्री वाजपेयी के स्वास्थ्य की कामना को लेकर शिव राष्ट्रीय सेना के सदस्यों ने किया हवन यज्ञ। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना आवंटी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जीडीए उपाध्यक्ष से की मुलाकात। समस्याओं के निराकरण की किया मांग। वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनुदेशक कल्याण समिति ने धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। और गोरखपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संयुक्त मंत्री अरुण सिंह। कहा, कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष रहेगा जारी।